से। तो चलो ये हो गया सेटअप रेडी, अब उसको माइक। ये स्लीपिंग बैग्स हैं और ये योगा मैट है और ये देख लो अपन ने ये ले लिया है। देखो अभी हम लोग आए तो हम लोगों ने टेंट जो परचेज किए तो स्टॉक ही खत्म हो गया हम लोगों का यहाँ पे। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज फिर कारवां निकल गया है और आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आनंद आएगा आपको। तो आज हम निकल गए हैं कैंपिंग का सामान लेने, मतलब कैंपिंग और ट्रेकिंग आने वाले दिनों में काफ़ी दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो शुभ घड़ी आ गई है। हालांकि हम एक बार कैंपिंग कर चुके हैं लेकिन हमने कैंपिंग की थी वहीं के टेंट में। अब आज हम जा रहे हैं हमारा खुद का एक टेंट लेने, ताकि आने वाले दिनों में कहीं भी हम जाते हैं तो हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन पर रह सकेंगे, रात रुक सकेंगे। तो दोस्तों हम डिकैथलॉन जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। और मेरे साथी भी हैं कुछ जो आज वहाँ से टेंट वगैरह और जो ट्रेकिंग के कैंपिंग के इक्विपमेंट्स है वो खरीदेंगे। मुझे भी कुछ लेना है, एक अपने को लेना है टेंट डिकैथलॉन से, एक लेना है स्लीपिंग बैग और चेयर तो अपने पास रखी हुई है, बाकी देखेंगे कुछ छोटे मोटे कुछ और अपने को कुछ लगा वहाँ पे कि यार कैंपिंग के लिए चीज़ें ज़रूरी है तो वही चीज़ें लेंगे जो बहुत आवश्यक है। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि आप वीडियो पूरा देख लेते हो उसके बाद लाइक नहीं करते हो। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों आपको बहुत शानदार शानदार वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं और चूँकि अपना घर है एयरपोर्ट रोड साइड और डिकैथलॉन जाना है जो बाईपास पे है, तो 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो वीडियो में बने रहिए, मज़ा आएगा आपको। मैं अब आपको सीधे डिकैथलॉन पर मिलता हूँ, या रास्ते का कुछ अच्छा हुआ तो वो दिखाऊंगा। और दोस्तों कहाँ कैंपिंग होने वाली है ये सरप्राइज़ है, ये अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। तो मज़ा आएगा दोस्तों आपको, बने रहिए वीडियो में। अभी आज की जो पूरी शॉपिंग है वो इस पूरे वीडियो में डालूंगा मैं, कि क्या क्या आज लिया है और क्या अपने पास है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो बने ये रहिए वीडियो में, मज़ा आएगा आपको। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम डिकैथलॉन पर और हमने यहाँ से ये बैग देख रहे होंगे आपको, मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये स्लीपिंग बैग्स हैं और ये योगा मैट है और ये देख लो अपन ने ये ले लिया है स्लीपिंग बैग, 15 डिग्री वाला है ये। तो इसके अंदर एक लेयर डाल लेंगे तो 10 डिग्री 5 डिग्री तक भी ये काम कर देगा अपना। एक योगा मैट ले लिया है, अब अपने को लेना है टेंट। और ये हमारे साथियों ने भी यहाँ पे टेंट ले लिए हैं, एक ये टेंट है एक ये टेंट है, अपने को टेंट और लेना है। और योगा मैट ले लिया है, और क्या लेना है भैया अपने को? योगा मैट और ये बैग हो, स्लीपिंग बैग ले लिया, ये ले लिया बस, हाँ बस। तो दोस्तों ये ले लिए हमने सामान और कुछ और साथी आने वाले हैं, तो बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है कैंपिंग और ट्रेकिंग की, तो आने वाले भी दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत सारा वीडियो बचा हुआ है और भी बहुत सारा सामान लेना है हमको यहाँ से। तो दोस्तों देखो मतलब ट्रेकिंग और कैंपिंग की तैयारी कितनी जोरदार चल रही है, हमारे योगेश भैया बताएंगे, बताओ योगेश भैया। देखो अभी हम लोग आए तो हम लोगों ने टेंट जो परचेज किए तो स्टॉक ही खत्म हो गया हम लोगों का यहाँ पे, मतलब हमको 3% टेंट चाहिए थे सभी को और 2-3 लोगों ने ले लिया। अब हमारे गोडाउन में नितिन भाई को चाहिए था और स्टॉक ही खत्म हो गया, डिकैथलॉन में स्टॉक खत्म कर दिया टेंट के शॉर्टेज। अब भैया से बोल रहे हैं कि भैया कुछ करा दो यार, इसे दो जोड़ के बन जाए। तो चलो दोस्तों अब करते हैं कुछ ना कुछ, जुगाड़ करनी पड़ेगी अब नितिन भाई के लिए, एक पर्सन के लिए हम लोग। और अपन ने ले लिया है अपना पेमेंट भी अपन ने कर दिया, तो 3% टेंट लिया है अपन ने, एक स्लीपिंग बैग ले लिया है, कुछ बाकी कैंपिंग के कुछ और एसेसरी लिए, तो मैं आपको जब स्पॉट पे जाऊंगा तब पूरी डिटेल और फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो अभी और कुछ सामान लेना है और साथियों को लेना है तो वो चेक करते हैं पूरे। देखो ये 2 पर्सन है, ये मैं दिखाता हूँ, ये है 2 पर्सन। अब ये 2 पर्सन में समस्या क्या है कि अगर आप 2 लोग हो तो आपको सामान रखने में काफ़ी समस्या आएगी, तो देखते हैं अब क्या होता है, लेट्स सी। डिकैथलॉन है हमारे इंदौर का, ये यहीं थे ऊपर ही थे, इसमें देखो ये जो है ना इसके अंदर निकल सकता है। एक काम करो भैया, हम थोड़ा स्टॉक देख के अंदर देखते हैं, ये देखो ये जो स्टॉक ही नहीं सर मेरे पास, ये ब्लैक एंड फ्रेश ले लो, ये 3% ही है, ये ले लो।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कैंपिंग चेयर वगैरह सब है बढ़िया शानदार, तो आप भी अगर कैंपिंग वगैरह कुछ करते हैं तो यहाँ से इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। ये देखिए, हालांकि ये चेयर अपने पास हैगी, कुछ साधन तो है अपने पास में। देखो कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बैकपैक्स है तो इनकी ज़रूरत अभी अपने को है नहीं। और ये क्या है भाई? अच्छा, मोबाइल वगैरह साफ़ करने के लिए कपड़ा आएगा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। ट्रैकिंग के लिए स्टिक है। तो दोस्तों फाइनली डिकैथलॉन से निकलने के बाद फिर वो वही पता है आपको, दोस्त लोगों के साथ में होते हैं तो फिर रेडी मारने निकल गए। और घर पहुंचते पहुंचते अभी हमको बच गई है 3:58। ये देखो अपना छोटू बता रहा है आपको, 3:58 लगभग 4 बज गई है। और घर में अभी बस 10-15 मिनट हुए मुझे आए, और बस वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, तो ऑफिस में बैठ के अभी बस वीडियो एडिटिंग अपन ने स्टार्ट की है। और आज अपन ने क्या क्या ले लिया है? आज अपन ने ले लिया है एक स्लीपिंग बैग, एक डिकैथलॉन का 3% टेंट ले लिया अपन ने, और अपन ने ले लिया है कुछ कैंपिंग के दौरान जो क्या बोलेंगे यार उसको, क्रॉकरी, हाँ क्रॉकरी ले लिए, मतलब कुछ बर्तन वगैरह, एक पानी की बॉटल ली है। तो वो मैं आपको वहीं पर जब जाऊंगा मैं आपको जो बढ़िया एक वीडियो बनाऊंगा पूरा कैंपिंग एसेसरीज का, तो सारी चीज़ें वहां पर डेमो करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों की कमी है, जो और आने वाले समय में लूँगा मैं। क्योंकि दोस्तों एकदम से सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते, काफ़ी कॉस्टली आती है, तो मैं भी जब जब ज़रूरत लगती है तब तब लेते जाता हूँ। और लगभग एक साल लग गया मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इकट्ठी करने में, क्योंकि काफ़ी महंगी भी आती है, आपको दूसरी चीज़ें भी मैनेज करना रहती है और ये भी मैनेज करना होता है। तो धीरे धीरे चीज़ें खरीद रहा हूँ मैं, और आज काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि टेंट एक लेने की, ताकि कहीं भी अपन जाते हैं तो एक जंगलों के बीच में टेंट में रुकने का दोस्तों एक अलग अलग अपना एक एडवेंचर होता है। और आप लोगों के पिछले दिनों कमेंट्स आए थे कि आपको भी इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है, कि अपने टेंट में रुकें, अपन अपने हाथों से कुछ बनाएं खाएं, और अपन इसके शौकीन भी है। तो आने वाले दिनों में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल पर। और दोस्तों वीडियो में अगर आपकी कुछ क्यूरीज है तो कमेंट करके बताइएगा, आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और मैं लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ कैंपिंग होने वाली है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन पे जाके जो घंटे का बटन है इस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं सबसे पहले मिलेंगे। और ये हमारी कैंपिंग होने वाली है सैटरडे नाइट को, तो आज हो गया थर्सडे, मतलब मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ ये गुरुवार है, परसों के दिन हम निकलेंगे कैंपिंग के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको 2-3 वीडियो अलग अलग बना के डालूंगा, एक तो रास्ते का डाल दूंगा क्या स्थिति है, ठंड कैसी पड़ती है, और दूसरा कि जो कैंपिंग का पूरा मेरी एसेसरीज है वो मैं एक वीडियो बना के वहाँ पे डालूंगा, आपको आपके लिए बना कर लाऊंगा। तो वो जब भी मेरे को समय मिलेगा उसको एडिट करके मैं डाल दूंगा, और कंटिन्यू वीडियो आएंगे। दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सप्ताह में 4-5 वीडियो डाल दूँ। डेली ब्लॉगिंग तो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑफिस के भी कुछ काम होते हैं, पर्सनल कुछ काम होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सप्ताह में 4-5 वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँ। और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, अच्छे व्यूज़ भी आने लगे हैं वीडियोस पे, और आप लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप देख रहे हैं इसीलिए मुझे भी थोड़ा सी ऊर्जा मिल रही है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं अधिक मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अपने ऑफिस से समय निकाल के, काम से समय निकाल के आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए जंगलों में जाता हूँ। तो दोस्तों रिस्क भी होती है, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, रातों में जागना भी पड़ता है। अभी देखिए अभी 4 बज गई, अब मैं वीडियो एडिट करूँगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे, सुबह 6-7 बजे सोऊंगा, फिर वो 10-11-12 बजे से उठ के वही सारी चीज़ें मैनेजमेंट करना, ऑफिस का काम करना वगैरह वगैरह, तो काफ़ी स्ट्रगल रहता है दोस्तों लाइफ में। लेकिन ठीक है, अब वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, इसलिए मेहनत करते हैं। और दोस्तों आपने पिछले उसमें देखा होगा कि राइड पे शायद, हाँ पिछली राइड की बात है, तो जब मैं गिर गया था, मैंने वीडियो डाला, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा वीडियो पे, तो वहाँ अपना गोप्रो का माउंट टूट गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो कैंपिंग के लिए मैं जाने वाला हूँ, अपनी धनों को लेकर जाऊँगा, तो धनों में भी कल थोड़ा बहुत कुछ काम कराना है, तो वो अपन कल करवा लेंगे। और उसके लिए गोप्रो का जो सेटअप था वो टूट गया है, तो अभी अपन आज वो और कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। ये देखिए अपना हेलमेट उधर रखा हुआ है,
इधर रखा भाई हेलमेट, हेलमेट का रखा है, ये रहा अपना हेलमेट। ये देखिए दोस्तों, ये सब अपने सामान रखे हुए, अमेजन से जो प्रोडक्ट बुलाए थे अपन ने, ये सब चीज़ें अपनी हैं। तो ये तो रख दिया अपने यहाँ पे अपना हेलमेट। अब अपना अपन निकाल लें गोप्रो। ये देखो दोस्तों, ये जो पूरा सामान है ना, ये सब अपना कैंपिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड सामान है। ये है अपनी गोप्रो की पेटी, तो इस पर निकालते हैं। मैंने इसी में माउंट निकाल के रखा था, ये रहा माउंट। ये देखो, ये यहाँ से ये जो है ना, ये दिख रहा होगा आपको, लेंस फोकस कर रहा है, हाँ ये कर रहा है, ये टूट गया था दोस्तों। अब इसको अपन चेंज करते हैं, ये वाले जैक को। तो मेरे पास है ना कुछ माउंट्स रखे हैं, देखते हैं निकालते हैं कि इसमें क्या लग सकता है। चलिए मैं फ्रंट पे आके बताता हूँ आपको। कुछ माउंट्स है अपने पास में, कुछ जैक गोप्रो अपना रखा हुआ है यहाँ, तो गोप्रो को लगाने की कोशिश करते हैं इसमें और फिर बताता हूँ मैं आपको। तो बने रहिए वीडियो में, गोप्रो को भी इंस्टॉल कर लेते हैं अपन अभी हाथों हाथ ही। तो दोस्तों ये अपन ने एक नया सेटअप जमा दिया, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये अपन ने जे माउंट बुलवाया था एक ऑनलाइन, ये रोटेट होने वाला था, ये ऐसा देखो ये रोटेट होता है, लेकिन अपन इसके पीछे एक स्क्रू है तो इसको फिक्स कर देते हैं और हेलमेट में लगाते हैं। तो अगर ये अगर लग गया तो ये बहुत प्यारा सेटअप हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा जैसा मैं चाह रहा था। तो चलिए लगा के देखता हूँ मैं, और इसको पहले अपन टाइट कर देते हैं कोई पेचकस वगैरह से। तो मैं पेचकस लेके आता हूँ, कहाँ रखा होगा, चलो मैं पेचकस ले आता हूँ, इसको टाइट कर देते हैं अपन। तो दोस्तों ये आ गया अपना पेचकस, अब इसको अपन थोड़ा सा है ना टाइट कर देते हैं भाई साहब। ये हो गया फिक्स, अब इसको अपन लगा देते हैं, इसे लगेगा ना, हाँ। अब दोस्तों इसको लगा देते हैं हेलमेट में, टूट मत जाना काका, मेरे बहुत सारे ऐसे माउंट टूट चुके हैं इस तरह से लगाने में। और आहिस्ता आहिस्ता, ओए हाय हाय हाय, लाले दी जा, तो मज़ा आ गया भाई साहब। ये देखो आप, ये हो गया बिल्कुल फिक्स और बिल्कुल नज़दीक है और हिल भी नहीं रहा है। तो अब बस ये अपना यहाँ पे माइक लग जाएगा और ये बिल्कुल चिपक गया, देखो गोप्रो से बिल्कुल चिपक गया एकदम। तो मेरे को लगता है कि अब इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई होगी, लगा के देखते हैं अपन। तो हाँ, तो भाई दोस्तों कैसा लग रहा है बताओ आप सेटअप। ये देखो, अब पहले यहाँ पे जो गेप ज़्यादा आती थी वो गेप भी ख़त्म हो गई है। बस अब इसमें एक समस्या रहेगी कि देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है यहाँ से कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तो उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो पर ये अच्छा लग रहा है, शानदार बढ़िया काम हो गया अपना, बहुत ज़ोरदार। जे माउंट का कमाल है दोस्तों, ये जे माउंट होना चाहिए, जे माउंट से ही हुआ है खेलिए। हालांकि अपने पास एक्सटेंडर है, अपन चाहें तो इस तरह के एक्सटेंडर लगा के इसको थोड़ी गेप कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना काम हो जाएगा इससे। तो चलो ये हो गया सेटअप रेडी, अब इसको माइक वगैरह लगा लोगों के, इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। चलो चलो चलो, तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि इस वीडियो को तो यहीं एंड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, डिकैथलॉन का भी हो गया, यहाँ का भी, ये भी अपना सेटअप जम गया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और कल कुछ अपना धंधों का बेसिक जो काम कराना है, थोड़ा वो चेन लूप कराना है, और आयल तो मैंने चेंज करवा लिया था बीच में, और देखते हैं कल उसको लेके, उसकी चेन में कुछ आवाज़ आ रही है, तो मेरे को लग रहा है वही चेन लूप नहीं हुआ उसका, इसी कारण थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज हमने डिकैथलॉन से, आपने जैसा वीडियो में देखा कि इतने टेंट खरीद लिए कि भाई के टेंट ही ख़त्म कर दिए। तो हालांकि 3% वाले टेंट हमने इतने ले लिए कि ख़त्म ही हो गए, तो फिर नितिन भाई जो है, नितिन गुप्ता जी हमारे, उनको हमने 2% वाला दिलवा दिया कि भाई कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती तो हमारा टेंट ले जाएगा वो, या फिर आपस में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर इधर उधर हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन काफ़ी सारे टेंट्स हो गए हमारे ग्रुप के पास, तो आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी जगह पर और ऐसी जगह पर कैंपिंग करेंगे। और दोस्तों टेंट होने का एक ही फ़ायदा ये है कि जहाँ पर होटल्स अवेलेबल नहीं है आप वहाँ पर रुक सकते हो। और देखो टेंट होने से क्या होता है कि आपको सांप बिच्छू अन्य जो जानवर होते हैं वो आपके करीब नहीं आते हैं, मच्छर आपको नहीं काट सकते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ती है बारिश हो जाए तो आप उससे बच सकते हो, क्योंकि ठंड में देखो आप कैंपिंग करोगे तो ओस भी गिरेगी,
तो आपको उससे ही बचना है, नहीं तो आप ठंड में सो रहे हो, रजाई आदि आपने जो ओढ़े हैं वो गीले हो गए आपके, तो आपको उससे ही बचना है। तो दोस्तों इसलिए ठीक है, थोड़े से पैसे तो खर्च होते हैं सारी चीज़ों में, लेकिन आपकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही के कारण आप आपकी जान भी जा सकती है, मतलब मैं सीधे कहूँ तो जान भी जा सकती है। इसलिए आपको जीव जानवर से भी बचना है और कैंपिंग भी करना है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी जो बेहद ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में आपको मैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं पूरा प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैंपिंग में क्या चीज़ें होना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैं 3-4 कैंपिंग कर चुका हूँ, आने वाले दिनों में और करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स करना है, कमेंट्स में बताना है कि क्या अच्छा लगा, क्या आपकी क्यूरीज है। लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बांधा नहीं है। लेकिन अगर आप आए हैं, आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि किसी ने डाला नहीं इस तरह का कंटेंट, या आपने और कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाकर दिखा सकूँ प्रॉपर कैंपिंग। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो रियलिटी है मैं वही दिखाता हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं, कोई डिश नहीं डालता हूँ, कोई थंबनेल ऐसा नहीं डालता हूँ कि जिसमें क्लिक बेट हो, जो क्लियर कट जो चीज़ें होती है वही बताता हूँ। क्योंकि मेरे इस ब्लॉग और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी रहा कि आप तक सही जानकारी पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।